हाल ही में एक बड़े नक्सली नेता कुंदन पाहन ने पुलिस के सामने समर्पण किया, तो जो राशि उसके समर्पण के लिए घोषित थी 15 लाख, पुलिस ने उसको 15 लाख रुपए का चेक दे दिया। इसी तरह के एक नक्सली घटना में पूर्व मंत्री जेडीयू के रमेश सिंह मुंडा की मृत्यु हो गई थी। उनको इस मुआवजे की बात तब नहीं के बराबर थी। जब पुलिस ने 15 लाख रुपए का मुआवजा दिया या समर्पण करने वाले को पारितोषिक दिया यूं कहिए, तब रमेश सिंह मुंडा की पत्नी वसुंधरा ने एक इस पर एतराज उठाया कि क्या सरकार का मरने वाले को 1 लाख रुपया देना और मारने वाले को 15 लाख रुपया देना, ये उचित न्याय की परिभाषा है क्या? उसके बाद तो सोशल मीडिया में कई तरह की चर्चाएं चल पड़ी, यहाँ तक कि लोग कहने लगे कि इब्राहिम दाऊद या हाफिज भी अगर समर्पण करते हैं तो उनके नाम से जो राशि घोषित की हुई है क्या उनको दी जाएगी। और आगे से भी जरूरी नहीं है कि हम केवल पाहन की बात ही कर रहे हैं, उसके अलावा कोई भी अगर नक्सली समर्पण करता है तो उसको बड़ी बड़ी राशियाँ दी जाएंगी और मरने वालों को कुछ नहीं। इस कुंदन पाहन पर 125 के करीब केस हैं हत्याओं के, सरकारी धन के, करोड़ों के लूटने के केस हैं। उसके बाद आप उसको ये इनाम दे रहे हैं, ये विचारणीय विषय है। लोगों में जो संदेश जा रहा है उसमें सुरक्षा का भाव नहीं है और न्याय कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। ये सही है कि कोई आदमी इन गलत रास्तों को छोड़ करके और मुख्य धारा में आना चाहता है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, पर इसका अर्थ ये भी नहीं कि हम उसको मकान जमीनें जायदाद सब दे दें, पैसा वैसा दे दें और दूसरे लोग जिनकी उन्होंने हत्याएं की, जिनके परिवार उजाड़े, वो इनको देख देख के क्या उनके जले पे नमक छिड़केंगे हम? उनको तो हमने कुछ दिया नहीं, मुआवजे में किसी को 1 लाख दिया होगा, 50,000 दिए होंगे, 2 लाख दिए होंगे। ये एक बड़ा प्रश्न है और इसके लिए तो केंद्र सरकार को भी एक नीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि अब आज देखिए कश्मीर में उग्रवाद है, देश में करीब 1 दर्जन राज्य ऐसे हैं जहाँ उग्रवाद अभी भी सर उठाए हैं। नॉर्थ ईस्ट में अगर हम देखते हैं तो वहाँ का हालत भी रोज का हमारे सामने है, और हत्याओं का सिलसिला तो देश में आज आम बात हो गई। तब क्या इस तरह से हम मरने वालों को कम, मारने वालों का स्वागत करते नजर आएंगे और इसी को हम कहेंगे कि हम लोगों को विकास की मुख्य धारा में ला रहे हैं? किसी को केंद्र सरकार कोई मुआवजा दे रही है, किसी को सेना कुछ मुआवजा दे रही है, किसी को राज्य सरकार कुछ मुआवजा दे रही है, सबकी अपनी अपनी नीतियाँ अलग अलग हैं। शहीदों को अलग मुआवजे के नियम बने हुए हैं, बलात्कार के और सड़क दुर्घटनाओं आदि में मरने वालों के लिए मुआवजों के अलग अलग नियम बने हुए हैं। तो एक ही देश में क्या अलग अलग तरह की के नियम और सुविधाएं होनी चाहिए? क्या ये छोटे राज्यों के तो लोगों को ये लगेगा कि यार बड़े राज्यों के लोगों को तो करोड़ों मिलते हैं, लाखों मिलते हैं कुछ भी, और हमारे यहाँ तो छोटा सा प्रदेश है, हमारे यहाँ तो कोई मर गया उसको 50,000 दे के तसल्ली दे देते हैं? तो क्या आदमी की कीमत एक ही देश में अलग अलग नापी जाएगी? अच्छा तो ये होगा कि केंद्र सरकार इन सब राज्यों के साथ बैठ करके मीटिंग करे और एक मुआवजा नीति तैयार करे जिसके तहत अलग अलग श्रेणी के लोग घटनाओं में दुर्घटनाओं के हिसाब से सबको मुआवजा दिया जाए, वरना ये जो सामने आया उदाहरण, ये सामने
गौरव करने लायक उदाहरण तो नहीं है।